पलवल में लगभग 12 दिन पहले गांव जनौली के एक युवक का कार में अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने व गन पॉइंट पर उससे हजारों रुपए की नकदी लूटने वाले 5 आरोपियों को बघौला पुलिस चौकी ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपियों के साथ 8 साथी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बघौला चौकी इंचार्ज इमरोज खान ने बताया कि उन्होंने मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गांव जनौली से युवक का अपहरण कर नकदी लूटने वाले 5 आरोपी हुड्डा सेक्टर 2 के समीप मौजूद हैं, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और 5 आरोपियों को काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम दीपक उर्फ बजरंगी, सोनू निवासी गाँव मिंडकोला व अमित जयप्रकाश उर्फ जग्गी योगेश निवासी गाँव जनौली बताया। आरोपी को गहन पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिस दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने 7-8 साथियों के साथ मिलकर 29 जुलाई को जनौली के सरकारी स्कूल के समीप गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ धर्मू को कार में अगवा कर उससे पलवल होते हुए मिंडकोला महेशपुर एहरावा ले गए, जहाँ उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट हुई, गन पॉइंट पर 20,000 रुपये की नकदी लूट ली थी। हाँ सर, बताओ कि जो 5 आरोपी पकड़े हैं, किस मामले में पकड़े हैं? दिनांक 29/7/20 को हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गांव जनौली में कुछ बदमाश एक लड़के को मजरूह धर्मेंद्र और धर्मू को अगवा कर ले गए। उसके लिए हमने रेड की, कई जगह दबिश दी, आरोपी हमें उस टाइम नहीं मिले और मजरूह के बारे में सूचना मिली दिनांक 30 को कि मजरूह घायल अवस्था में दाखिल सर्वोदय अस्पताल है। उसके दरखास्त पर अभियोग अंकित की जाकर आरोपियों के लिए कई जगह दबिश दी गई, जो दिनांक 7/8/2020 को हमें सूचना मिली कि आरोपियां पलवल में हैं, सेक्टर 2 के पास से इनको रेड की जाकर आरोपियों को दीपक सोनू निवासी मिंडकोला और अमित जयप्रकाश योगेश निवासी जनौली को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई लाठी डंडा बरामद की गई, कार बरामद हो चुकी है और वारदात में प्रयोग किया गया अवैध असला बरामद किया जा चुका है। जो आरोपियों के अन्य साथी गिरफ्तारी पका है, जिनके लिए रेड की जा रही, आज पुलिस रिमांड समाप्त होने पर आरोपियों को पेश अदालत किया जाएगा। कितने और आरोपी जो अभी इसमें अन्य साथी आरोपियों की गिरफ्तारी पका है, जो लगभग 5 हैं, 5 से ज़्यादा हैं। जैसे इन्होंने बतलाया, इनकी कोई पुरानी रंजिश चल रही थी लड़ाई झगड़े की, कोई लूटपाट वगैरह भी देखे थे इसके साथ? लूटपाट ये बता रहे हैं, मजरूह बता रहे हैं, लेकिन अभी आरोपियों से इस बारे में और गहनता से पूछताछ की जा रही है, खैर अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए। आज अदालत में पेश कर दिया जाए? हाँ, आज अदालत में आरोपियों को पेश किया जाएगा।